टाइम तो उतना ही है, किसी आदमी के पास इस सृष्टि के अंदर 25 घंटे हैं क्या? नो, सभी 24 घंटे लेके पैदा हुए, सभी ने 24 घंटे में ही खेल किया है। उस 24 घंटे के अंदर जो वैल्यू आप डालते हैं वो आपकी वेल्थ डिटरमाइन करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। सेल्स इंटरव्यू के लिए एक लड़का अंदर घुसा, बड़ा कॉन्फिडेंस से लबरेज भरा हुआ नौजवान आपकी तरह। मालिक ने बोला माल बेच सकते हो? बोला सर। लैपटॉप पे मालिक काम कर रहा था, मालिक ने लैपटॉप पलटाया उसकी तरफ दिया, उसने बोला लैपटॉप लो, कमरे से बाहर जाओ, अंदर आओ, मुझे लैपटॉप बेच के दिखाओ। उसने बोला डन सर। उसने लैपटॉप लिया, बाहर गया, वापस ही नहीं आया। 10 मिनट 15 मिनट मालिक ढूंढ रहा है आदमी कहाँ गया। उसने स्टाफ को फोन किया, जो लड़का आया था, कह रहा सर वो तो गया, फोन लगाओ। उसको फोन लगाया, अरे कहाँ है मेरा लैपटॉप? बोला 1 लाख रुपीज सर। रात को माँ ने 2:30 बजे जगाया, उठ तेरे पापा गुजर गए। रात को 2:30 बजे उसने अपने कोच को कॉल लगाया, कोच सिडनी में था कि सर मैं क्या करूं? उसने बोला देख लाइफ तेरी है, पिता तो नहीं रहे लेकिन जहां तूने जाना है वो मौके तुझे बार बार। और वो लड़का सुबह ग्राउंड में गया, 90+ स्कोर किया, टीम को संकट से बाहर निकाला और जाके क्रिमेशन ग्राउंड में अपने पिता का संस्कार किया। आपकी क्रिकेट टीम का कप्तान है, मैं विराट कोहली की बात करता हूं, है ना? कोई बहाना नहीं है यार, क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी बड़ा करने के लिए काम में डूबने की जरूरत है। आदमी डूब जाए पूरी तरह से काम में, कि काम और आदमी एक हो जाएं। दोस्तों मैं फिर कहता हूं आपसे, उन लोगों की संगत में मत रहना यार, बड़ा खतरनाक काम है यार नेगेटिव लोगों के साथ रहना, आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूं माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला बेटा आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं देता। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूँ ना तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। माँ बोल के चली गई। धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपए की, तो सामने 5-star होटल में जाके चाय पी के 250 रुपए तबाह करके आ गया। तो उसके साथी कलीग ने पूछा तेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी कौन है कि 250 रुपए तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपए की 5-star में चाय पी आया, तू पागल है क्या? उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपए की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपए की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहे मात्र 250 रुपए में मुझे बहुत। अपना समय बर्बाद मत करना, इस समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, समय ने बदला बहुत। शेर कुछ ऐसा है कि घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, घर का कैलेंडर तो बदल जाता है हर साल, अब के मेरे हालात बदल दे मेरे माला। कहते हैं लोग अपने हक याद रखते हैं, अपने जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। लोग अपना हक तो याद रखते हैं, ये हमारा हक है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते। टीवी बदल गए, मोबाइल बदल गए, पंखे बदल गए, साला एसी बदल गया, सब बदल गया, पैसे कमाने का तरीका नहीं बदला, वही तरीका। रोटी का डब्बा भरा ले जाओ, शाम खाली करके ले। 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी सर। हाय हाय, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंपल चीजें कंसिस्टेंटली कभी नहीं होती। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते, 4th दिन करते हैं, फिर 6th दिन नहीं करते। क्यों? लगता है ये तो कभी भी कर लेंगे, और जो चीज कभी भी की जा सकती होती है वो कभी भी नहीं होती है।